बताएंगे आपको समकालीन विश्व में सुरक्षा। हमने लिख दिया समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये हो गया आपका। तो इसको दो भाग हम बांट सकते हैं, पारंपरिक और अपारंपरिक। पारंपरिक में ये है बाहरी अवधारणा, फिर है आंतरिक अवधारणा। इस तरह आपका दो भाग में इसको बांट। पारंपरिक में देखिए पहला आएगा सैन्य हमला, बाहरी अवधारणा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सैन्य हमला। सैन्य हमला क्या होता है? जब कोई देश दूसरा देश एक दूसरे राष्ट्र पे देश पे हमला करता है उसको सैन्य हमला कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है सैन्य हमले में जन धन की हानि होती है। और पारंपरिक धारणा में किसी देश को केंद्रीय विषय माना जाता है, देश को खतरा है, जबकि अपारंपरिक धारणा में मानव और विश्व को खतरा बताया गया, अस्तित्व को खतरा है। सैन्य हमले में जन धन की हानि होती है। फिर उसके बाद जो है सैन्य हमला जब होगा तो कोई देश क्या करेगा, उसके लिए चार सहायक तत्व हैं। कौन कौन से सहायक तत्व हैं? पहला तत्व जो है आपका उसमें आएगा अवरोध। ये अवरोध है। अवरोध क्या है? अवरोध जो होता है सुरक्षा की नीति में आशंका को कम करता है, युद्ध की आशंका को कम करता है, युद्ध की आशंका को ये कम करता है। दूसरा आपका आएगा अपरोध के बाद आएगा शक्ति संतुलन में क्या आएगा? शक्ति संतुलन में कोई भी देश अपने आसपास के देशों को देखता है तो जो बड़ा देश होता है तो उसको लगता है कि इससे हमको भविष्य में सैन्य हमले की आशंका हो सकती है, इसलिए वो अमुक देश जो होता है जिसको ये गर्व होता है तो अन्य अपने से क्या कर सकते हैं कि हथियारों को एकत्रित करता है, इसमें अस्त्र को शक्ति संतुलन में अस्त्र को वो